अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है डेटा हाइडिंग एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग डेटा हाइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग क्लास मेंबर अंगेंस्ट इलीगल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास डेटा हाइडिंग क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्रोटेक्ट करता है क्लास मेंबर्स को अंगेंस्ट इलीगल एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास जो आउटसाइड क्लास से इलीगल एक्सेस होती है उससे इट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है द डाटा हाइडिंग इज परफॉर्मड यूजिंग डिफरेंट स्पेसिफायर्स स्पेसिफायर्स सच एज प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड तो कहते हैं द डेटा हाइडिंग इज परफॉर्म्ड जो डेटा हाइडिंग है ये परफॉर्म्ड होता है यूजिंग डिफरेंट एक्सेस डिफरेंट एक्सेस के जरिए एक्सेस स्पेसिफायर्स के जरिए जिसमें प्राइवेट पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड आ जाता है इट इज ऑल्सो नोन एज इनकेशन इसको इनकेशन भी कहा जाता है द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर्स स्पेसिफायर इज यूज टू कम्प्लीटली हाइड क्लास मेम्बर अब जो हमारे पास प्राइवेट क्लास एक्सेस होती है इसमें क्या होता है कम्प्लीटली हाइड कर दिया जाता है क्लास मेंबर्स को द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर विद प्राइवेट एक्सेस स्पेसीफायर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्राम आउटसाइड द क्लास जो क्लास मेंबर्स होते हैं डिक्लेयर विद प्राइवेट एक्सेस वो एक्सेस नहीं होते आउटसाइड द क्लास से द क्लास मेंबर डिक्लेयर विद प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसीफायर कैन बी ओनली बी एक्सेस विद इन द क्लास और फ्राम द्लास तो इसमें यह कहा जाता है कि जो हमारे पास क्लास मेंबर डिक्लेयर्ड होते हैं प्रोटेक्टेड में तो प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसीफायर जो है ये ओनली बी एक्सेस किया जाता है विद इन द क्लास और जो ड्राइव क्लास है उससे द क्लास मेंबर्स डिक्लेयर्ड विद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफर जो क्लास मेंबर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफर के साथ डिक्लेयर्ड होते हैं कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी वेयर इन द प्रोग्राम ये प्रोग्राम के कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है टेबल है हमारे पास एक्सेस ऑफ क्लास मेंबर इन द सम क्लास एक्सेस करना क्लास मेम्बर को इन द सेम क्लास सेम क्लास से पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इन सब का यस यस एक्सेस करना क्लास मेंबर को ड्राइव क्लास से ये पब्लिक तो हो सकता है प्रोटेक्टेड भी लेकिन प्राइवेट वाला नहीं हो सकता एक्सेस करना क्लास को फ्रॉम आउटसाइड तो इसमें पब्लिक में यस yes आ जाएगा आउटसाइड से पब्लिक हो सकता है प्रोटेक्टेड भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कंस्ट्रक्टर हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर क्लास फंक्शन मेंबर फंक्शंस कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन डेट हैज द सेम नेम एज द क्लास जो कंस्ट्रक्टर है ये ऐसा मेंबर फंक्शन होता है कि इसका सेम नेम होता है जो हमारी क्लास का होता है इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड होता है वेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ डेट क्लास इज क्रिएटेड जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है द कंस्ट्रक्टर हैज़ नो रिटर्न टाइप कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती डेट मीन इट कैन नॉट रिटर्न एनी वैल्यू ये मतलब ये है कि ये कोई भी रिटर्न uh, वैल्यू नहीं करता इट इज टिपिकली यूज टू इनिशलाइज द डाटा मेम्बर इन द क्लास ये डाटा मेम्बर जो क्लास के अंदर इनिशलाइज होते हैं इट इज टिपिकली यूज इसलिए यूज होता है इनिशलाइज करने के लिए डाटा मेंबर को इन क्लास में सम रूल्स फॉर द कंस्ट्रक्टर आर द कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव द सेम नेम द क्लास नेम दे हैव नो रिटर्न टाइप इवन द की वर्ड वाइड इज नॉट यूज दे आर ऑलवेज पब्लिक तो तीन हमारे इसके रूल हैं जो कि हमने पढ़े हैं इसके बाद हमारे पास इसका सेंटेक्स है द सेंटेक्स ऑफ डिक्लेयरिंग कंस्ट्रक्टर इज़ एज फॉलोज नेम और हमारे पास बॉडी आ जाएगी तो वीअर्स उम्मीद है आज के जो आ, क्लास में हमने बात की है जो हमने टॉपिक डिस्कस किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे तो आज की वीडियोस को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़